हेलो गाइस, हैप्पी कागा चौथ ऑल लेडीज़ जिनकी शादी हुई हैं और जिनकी शादी होने वाली हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, उन सब के लिए हैप्पी कागा चौथ। मैंने ये सिंपल मारून कलर में बीच में ये गोल्ड के ये डाल रखे हैं और सिंपल चूड़ियाँ पहन रखे हैं। अभी मैंने सुबह से मैंने कुछ नहीं पहना था, तो जस्ट मैंने अभी जैसे ही मेरे हस्बैंड गए 9 बजे, उसके बाद मैंने सारा सामान निकल लिया जो मैं रात को साड़ी पहनूंगी और शादी में जो मेरा साड़ी के साथ शॉल था वो भी मैं ओढ़ूंगी। तो मैंने वो सब अलग से रखे हुए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं एक आज का जो मेकअप लुक है वो आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। सो गाइस, मैंने सिर्फ सिंदूर लगाया है और मुँह पे कुछ नहीं कर रखा और हाथों में ये चूड़ियाँ पहन रखी है। ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। वेलवेट की चूड़ियों में मैंने जो मैं ये डेली पहनती हूँ वो तो मैंने पहन ही रखा है। उसके बाद ये मैंने वेलवेट की चूड़ियाँ पहन रखी है और इसमें दो ये बैंगल्स डाल रखे हैं रेड और ग्रीन कलर के, ठीक है। और इधर ये डाल रखी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा मेकअप लुक। पहले मैं ये लगाऊंगी वाइट टोन, आप कोई भी और क्रीम लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। रात को आपको वैसे भी थोड़ा सा टचअप तो फिर से करना ही पड़ेगा और अलग से लुक चाहते तो पूरा मेकअप रिमूव करके करना पड़ेगा। तो मैंने सुबह से कुछ मेकअप नहीं कर रखा और मैं नेपाली हूँ तो मैंने ये व्रत रखा है। मैंने पहले भी एक बार रखा था तो इसलिए मैं रख रही हूँ। और हस्बैंड के लिए व्रत तो वैसे भी सुहागन, अगर इसके बाद इसको हाथ से मैं हाथ से प्लान करती हूँ, आपकी मर्जी, आप ब्रश से करो तो भी कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंड करना है आप जो भी क्रीम लगाओगे। मैंने फेस पे सिर्फ कुछ नहीं लगाया था सुबह से नहाने के बाद। अगर आपका ये बेस अच्छे से बैठ जाएगा ना तो आप जो भी मेकअप करोगे वो आपके फेस में अच्छे से ब्लेंड होगा और अलग से लुक नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको जरूर, मैंने व्हाइट टोन लगाया तो आप व्हाइट टोन नहीं लगा। मैंने इससे पहले अपना ये लिप बाम लगाया है स्ट्रॉबेरी का लिप्स पे, ताकि कोई मैं लिक्विड लिपस्टिक या कोई भी लगाऊँ तो उससे मेरे फेस को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए मेरे पास वैसे तो बहुत सारी शेड्स हैं बट मैं ये यूज़ करती हूँ आजकल, तो मैं आपके सामने ये दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मेरी बड़ी सिस्टर ने गिफ्ट करी थी शादी के बाद, तो ये मिरर है और ये शेडो है और बहुत अच्छे अच्छे कलर है इसमें, आपकी मर्ज़ी आप लगा सकते हो। मैं मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे कलर देख रही थी बट मेरी सिस्टर की वजह से मैं ये कलर ले पाई हूँ। मैं पहले लूँगी ये वाला, ठीक है। ये आप अच्छे से अपने आईज पे ड्रॉ कीजिए जितना आपको चाहिए। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करा, ज़्यादातर मैं अपने फिंगर से करती हूँ मेकअप में जो भी होता है। उसके बाद आपके जैसे ड्रेस, अब मेरे पास मैंने अभी पहन रखा है पिंक कलर का, अगर आपकी मर्ज़ी आप कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कलर और ये कलर मैच करके लगाया हुआ है। आपको जितना चाहिए आप उतना लगा सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारे कलर नहीं लगाती, एक लगा दी, ये आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर, और उसके बाद कोई कलर लगा दी। ज़्यादातर मैं ये कलर लगाती हूँ, अभी भी मैंने ये और ये कलर मैच करके लगाया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अच्छे
जैसे आप मर्ज कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मोस्टली मैं हाथ फिंगर से करती हूँ। उसके बाद आता है लाइनर की बारी। ठीक है, लाइनर में मेरे पास ये भी बॉक्स, मेकअप का बॉक्स ये भी, और ये दूसरी ये भी। ठीक है, और इसमें मेरे सारे लिपस्टिक की कलेक्शन है, लिक्विड बिना लिक्विड वाली। तो लाइनर इसमें है मेरे ये बॉक्स में, देखिए। ठीक है, इसमें से ये लाइनर निकालती हूँ। अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ब्लू भी है मेरे पास, ये ब्लू कलर का, बट मैं ब्लू यूज नहीं कर रही अभी। होने से थोड़ा सा आपको जितना निकालना है और उसी के हिसाब से इधर की तरफ लेकर आइए। मैं हमेशा कोने में नहीं ले जाती हूँ आंखों को, कोने में से लाएंगे ना, तो आपका जैसा आप चाहते हैं वैसे बनेगी। ये देखिए, मैंने कोनों में से इतनी निकाल ली। इसके बाद इसी के लाइन पे यहाँ तक लाना है। मैं यहाँ अंदर नहीं ले जाती, मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ। देखिए, आपको मोटा चाहिए मोटा मोटा लगाइए लाइनर, पतला चाहिए पतला लगाइए, मैंने मोटा लगाया है। अब दूसरी साइड पे, अभी मेरे पास ये वाला लिक्विड वाला है लाइनर, पेन वाला था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने ये वाला लगाया। और इधर की गाड़ियाँ पहले यहाँ से ले जाके फिर करती हूँ, और तभी गड़बड़ हो जाती है मेरी। आपको अगर डार्क मेकअप करना है डार्क कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा लाइट करा है, लिपस्टिक डार्क करूँगी मैं। इसे लाइन बिगड़ रही है, मैं इसको मिला रही हूँ थोड़ा।
मेरा लाइनर लग चुका है और हमेशा मेरी ये वाली लाइनर बिगड़ जाती है और ये वाली लाइनर अच्छे से रहती है। देखिए अब सही हुआ है लाइट। तो इसके बाद आते हैं मस्कारे के बारे में। मैंने जो डेली यूज़ करती हूँ मेकअप, वो इस वाले पाउच में रखा है, ठीक है, कहीं जाने के लिए भी इजी होता है। और बाकी सब ये बॉक्स में है मस्कारा ये रहा। अब लगाओ और ऊपर की तरफ ज़्यादा पुश करना। अभी मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा क्योंकि शाम को मैं जब कथा सुनूंगी उसके बाद मोबाइल पे सुनूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं करता, नेपाल में कोई भी नहीं करता और इंडियन करते हैं वहाँ। फिर मैं कैसे जाऊँ अभी, मतलब यहाँ पे भी इंडिया के लोग रहते हैं बट मैं कैसे जाऊँ, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं मोबाइल में सुनूंगी। सुबह भी मैंने मोबाइल में सुना था। मुझे सबसे अच्छा मेकअप में ये मस्कारा लगता है। मस्कारा, ब्लश और लिपस्टिक। अब बारी आती है ब्लश की। बारी ब्लश आप इस पैलेट से भी लगता है। मैंने सिर्फ ये बताऊँ के लिया है क्योंकि इसका बॉक्स अच्छा लग रहा था गाइस, इसलिए तो वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए हुआ नहीं, छोड़ दें इसे। अब बारी आती है ब्लश की। ब्लश आजकल मैं ये यूज़ करती हूँ दोनों, और इसका ब्लश भी है, दोनों को पिंक को मच करके, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐसे करके ब्रश को स्माइल के साथ मुझे थोड़ा सा पागल लग गया इस पर। बाद में टचअप दे सकते हो थोड़ा सा, देखिए स्माइल के साथ आपकी जैसे जाती है ना, ऐसे ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लेना। मैं हमेशा ब्लश आजकल यही दोनों कलर को मिक्स करके लगाती हूँ, पिंक और लाइट पिंक को, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट द लीस्ट, हाईलाइट और लिपस्टिक। हाईलाइट के लिए भी यही ब्रश है और ये रहा मिला हाईलाइट। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा था, बहुत कम करती हूँ बट आज करूँगी क्योंकि आज तो स्पेशल डे है। थोड़ा सा ये इतना ले लिया, फिर इसको रफ कर दीजिए और फिर
इसके बाद आपने यहाँ क्या आएगा? लास्ट में और थोड़ा सा जी देखिए, और हमारे यहाँ ये पोते जरूर लगाते हैं, तो मैंने आज ये लगाया है, शाइन वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने अभी ये जस्ट लिपस्टिक दिया था, इसमें ऑनलाइन अभी आई थी दशहरे में, मेरी पहली टिक्का थी दशहरे में साड़ी के बाद, तो पापा और दीदी आए थे इंडिया से, तो मेरे लिए ये लिपस्टिक लेके आई थी, और भी कुछ है बट ये लिपस्टिक लेके आई थी, तो मैं आज यही लगाऊंगी। आपको डार्क लगानी है आप डार्क लगा सकते हो, लाइट लगानी है लाइट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छी खुशबू आती है इसमें से, न्यू शेड है। अब इसको पट्टा चप भी कर सकते हो या ऐसे लगा सकते हो। सो गाइस, मैं मेकअप लुक इज़ रेडी, तो आप बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ करवा चौथ के लुक के लिए, और रात को पहनूंगी मैं साड़ी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और इयर रिंग्स मेरे को पता नहीं है मैं कौन से पहनूंगी। हाँ आप बताओ, मैं ये वाले पहनूं छोटे से झुमके, या मैं ये वाले पहनूं टॉप, या जो मेरी सिस्टर अभी लेके आई थी ये वाले कलरफुल ये पेन, तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।